केजरीवाल की सुरक्षा को खतरे को लेकर भी घमासान मचा हुआ है। और आज का जो संगीन आरोप है वो बीजेपी पर लगा है, केजरीवाल की हत्या की साजिश रच रही बीजेपी, आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही, लेकिन बीजेपी ने कहा कि हम सिर्फ उनकी फिक्र कर रहे थे। बेहद गंभीर आरोप मनीष सिसोदिया ने लगाया, उन्होंने ट्वीट भी किया, फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मनोज तिवारी पर आरोप लगाया, हालांकि बीजेपी की तरफ से इस पर स्पष्टीकरण दिया गया। बिल्कुल, ये बड़ी खबर आपको बता दें, अब से कुछ ही देर पहले आम आदमी पार्टी के मनीष सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो उन्होंने जो आरोप लगाए उसका जवाब देते हुए मनोज तिवारी की तरफ से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। दरअसल बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने एक ट्वीट किया, जिसके बाद मनीष सिसोदिया ने, आम आदमी पार्टी ने उन पर सनसनीखेज आरोप लगाए। मनोज तिवारी जी ने एक तरह से धमकी दी है केजरीवाल जी को, और मनोज तिवारी जी की उस धमकी से साफ हो जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल जी की हत्या करने की साजिश कर रही है। जिस तरह से कल मनोज तिवारी जी ने जिस भाषा में बात की है वह पूरी तरह से खुली धमकी है कि षड्यंत्रों में अरविंद केजरीवाल जी को फंसाने में नाकामयाब भाजपा तरह तरह की गाली गलौज, तरह तरह के आरोपों, तरह तरह के झूठ में उनको बदनाम करने की कोशिशों में नाकाम हुई भाजपा अब हत्या की कोशिशों पर उतर आई है। जिस तरह का अब षड्यंत्र रचा गया है वो मनोज तिवारी जी की भाषा से साफ हो जा रहा है। मैंने कल अरविंद केजरीवाल जी के सुरक्षा बढ़ा सुरक्षा की चिंता की है। मैं तो उनको चाहता हूं कि वो सुरक्षित रहे। जिस प्रकार से उनके विधायक पिट रहे हैं, जिस प्रकार से उनका एक कार्यकर्ता मौत के मुंह में समा गया है, ये सारी स्थितियां बड़ी चिंताजनक हैं। हमारा ट्वीट पढ़े, हम क्या लिखे हैं? भारतीय जनता पार्टी का एक नेता अरविंद केजरीवाल जी की हत्या की धमकी दे रहा है, वो पहले से बता रहा है कि ऐसा होने जा रहा है, इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। आज अरविंद केजरीवाल देश में एक बहुत लोकप्रिय नेता है, वो एक काम करने वाले मुख्यमंत्री के रूप में जाने जाते हैं, लोग उनको इस रूप में देखते हैं कि ये व्यक्ति जो कहता है वो करके दिखाता है, इसकी राजनीति में चोरी चकारी की गुंजाइश नहीं है, धोखा देने की गुंजाइश नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी की राजनीति जनता के भरोसे की राजनीति है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी अब अपने निम्नतम स्तर पर उतर के उनकी हत्या कराने की साजिश कर रही है, और हम इसको लेकर पुलिस और चुनाव आयोग दोनों के पास जाएंगे। ये हत्या की और हत्या की धमकी की जो स्क्रिप्ट है ना, ये आम आदमी पार्टी की बहुत पुरानी है। ये सब देखिए हमारे पास क्या है, ये देखिए, ये सब मनीष सिसोदिया जी का ट्वीट है, केजरीवाल की हत्या करवाना चाहती है बीजेपी। किस डेट की है? 2019। ये 2019 में है, ये अलग 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 डेट है। तो ये तो हर साल, खाली साल बदलता है, इनका आरोप यही रहता है।